नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसा सिक्योरिटी मिलने वाला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को, जिनको अब जेड प्लस सिक्योरिटी से भी एडवांस सिक्योरिटी मिलने जा रही है। क्या है पूरी खबर, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा के स्तर को बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसी सिक्योरिटी मुहैया की गई है। उनकी सुरक्षा अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसी की जाएगी। दरअसल गृह मंत्रालय ने मोहन भागवत की सुरक्षा कैटेगरी जेड प्लस से बढ़ाकर एडवांस सिक्योरिटी लाइजन कर दिया है। बता दें कि मोहन भागवत की सुरक्षा घेरा पहले से ज़्यादा पुख्ता होगा। हाल ही में गृह मंत्रालय की ओर से की गई समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समीक्षा बैठक में पाया गया कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में मोहन भागवत की सुरक्षा के दौरान ढिलाई बरती गई है। ऐसे में संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। फिलहाल मोहन भागवत की सुरक्षा में CISF के जवान और अधिकारी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी जानकारी दे दी गई है। मोहन भागवत अब बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे में होंगे। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर यात्रा की अनुमति केवल विशेष रूप से डिजाइन किए गए हेलीकॉप्टरों में ही दी जाएगी। यह सुरक्षा एक रूल बुक के आधार पर काम करती है, इसे ब्लू बुक कहा जाता है। इसमें एक तरह का प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इसे खास ध्यान रखा जाता है। एडवांस सिक्योरिटी लाइजन में संबंधित राज्य में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, राज्य के पुलिस अधिकारी और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं। ASL रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। हम आपको बता दें कि 2015 में दी गई थी जेड प्लस सुरक्षा मोहन भागवत को। मोहन भागवत को जून 2015 में जेड प्लस की सुरक्षा दी गई थी। इससे पहले कांग्रेस सरकार ने भी उन्हें जेड प्लस सुरक्षा कवर देने का आदेश दिया था। हालांकि उस समय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कर्मियों और वाहनों की कमी के कारण उन्हें जेड प्लस सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई थी। जेड प्लस सुरक्षा में 36 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिसमें NSG के भी 10 कमांडो होते हैं। बता दें कि ASL श्रेणी की सुरक्षा में संबंधित जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभाग जैसी स्थानीय एजेंसियां शामिल होती हैं। जिस स्थान पर मोहन भागवत कार्यक्रम के लिए जाएंगे, वहां पहले से ही एक टीम मौके का निरीक्षण करने जाएगी। उनके ग्रीन सिग्नल देने के बाद ही मोहन भागवत उस कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे। तो आपने सुना कि अब RSS के प्रमुख यानी मोहन भागवत भी अब जेड प्लस सिक्योरिटी से भी, जो एडवांस सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी घेरे में अब RSS के प्रमुख होंगे और उनकी सिक्योरिटी का ध्यान अब और भी बड़े अधिकारी रखेंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।